हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे। आज यह जो वीडियो है आप लोग के कमेंट पे या आप लोग के डिमांड पे ही आई है। इसके पहले जो मैंने कॉमन सिलेबस का वीडियो डाला था जिसमें TGT PGT नवोदय विद्यालय जो वैकेंसी है उसमें सिलेबस क्या, उस पर अगर वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो इसको जाके देख लीजिएगा। और ये आज का जो सिलेबस है यह सिलेबस डिटेल सिलेबस है, डिटेल सिलेबस स्पेशली PGT इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर जो हैं कमेंट करके हमें कहे थे कि सर इंग्लिश PGT का सिलेबस अगर आप डिटेल अगर हमें बता दें फुल डिटेल के साथ। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। इसके साथ मैंने वीडियो बनाया, कुछ लोग जैसे नीरज कुमार जी ने इस इंग्लिश PGT के लिए कहा था सर इंग्लिश का सिलेबस बताइए, अंजू रानी जी का सर, रश्मि विश्वकर्मा जी एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा है सर प्लीज़ PGT इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में फुल डिटेल्स दीजिए। तो आज मैं वही फुल डिटेल सिलेबस लेके आया हूँ कि डिटेल सिलेबस आप लोग के सामने कि क्या पढ़ना है और कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है। और इंदिरा सिंह ने भी हमें कहा सर PGT इंग्लिश की डिटेल सिलेबस बताइए। देखिए बेसिकली ये वीडियो सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि 14 सब्जेक्ट हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो यह हमारा सब्जेक्ट PGT इंग्लिश को ले कर रहेगा या PGT इंग्लिश को लेके इस वीडियो को मैंने बनाया है। और भी सब्जेक्टों के सिलेबस जैसे डिटेल सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे जैसे हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी, आपको किस सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज के सिलेबस पे, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नवोदय विद्यालयों में बहुत बम्पर भर्ती आई, करीब करीब 2200 प्लस पदों पे अलग अलग विभागों में जैसे TGT PGT नर्सिंग असिस्टेंट लाइब्रेरियन उसके बाद स्पोर्ट टीचर के जैसे म्यूजिक टीचर आर्ट टीचर इन सब पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। तो ठीक ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से नवोदय विद्यालयों में जाना चाहते हैं। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है और बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, सैलरी करीब करीब PGT पे आपको 58,000 तो मिलनी ही मिलनी है, 58,000 सैलरी मिल जाएगी। आइए हम अब सीधे सिलेबस पे बात करते हैं कि PGT सिलेबस इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है। देखिए जैसा कि PGT इंग्लिश के सिलेबस की हम बात करें तो PGT इंग्लिश के सिलेबस में हमें चार पार्ट देखने को मिल जाएंगे, इवन चार पार्ट यानी चार सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। यह फोर सेक्शन जो हैं इन चारों सेक्शन से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के। ठीक इतना ध्यान रखिएगा कि आपके इन चारों पोर्शन से 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन एक मार्क का रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी। और आपके सिलेक्शन में यही 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक आइए शुरू करते हैं सिलेबस को देखते हैं। पहले सेक्शन में जो नवोदय विद्यालय ने PGT इंग्लिश के लिए पहला सेक्शन रखा हुआ है, सेक्शन है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसमें 3 से 4 पैसेज रहते हैं, 3 से 4 पैसेज रहते हैं और प्रत्येक पैसेज से 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप यानी 20 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे आपके देखने को मिलेंगे। यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 20 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला सेक्शन रहेगा जिसमें एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड एनालिसिस द इंटरप्ट अनसीन पैसेज 3 और 4 अनसीन रीडिंग पैसेज में भी सेट। क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 अनसीन पैसेज रहेंगे जो मैं बता दिया हूँ, 4 मार्क्स के लिए 4 तो रहने ही रहने हैं। ठीक अगर अब सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी में देखिए राइटिंग एबिलिटी में इनको क्या टेस्ट करना रहता है, एबिलिटी टू व्यू एक्सप्रेस व्यू पॉइंट ऑफ कोहेरेंट लॉजिकल मैनर। ठीक लॉजिकल मैनर में मैं बता दूं आपको लेटर राइटिंग आ जाएगी, ठीक नोटिस आ जाएगी, ठीक आपको रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक और आपको इसके अलावा लेटर में जो ऑफिशियल लेटर फॉर्मल लेटर इन सब के अलावा आपको स्पीच लिखने को, स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इतनी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। वही चीज़ें B1 B2 करके डिवाइड की गई हैं। देखिए B1 में 1 out of 2 टास्क सच ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इंसिडेंट रिपोर्ट। देखिए मैंने क्या कहा रिपोर्ट से रिलेटेड रिपोर्ट और ए प्रोसेस रिपोर्ट राइटिंग रहेंगी। B2 में राइटिंग ऑफ फॉर्मल लेटर, लेटर टाइप इंक्लूडिंग यानी लेटर कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, इस सब पे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय की इंग्लिश PGT की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पे
इसकी वीडियो हम यहाँ अपलोड करते रहेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को हिट कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। अब आगे चलते हैं। देखिए, बिजनेस लेटर में भी आएगा आपका मेकिंग करने के लेटर राइटिंग और एडिटर्स, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर जॉब विथ CV, एप्लीकेशन लिखने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली इससे राइटिंग भी आपको कल्चर एक्टिविटी पे या स्पीच के रूप में जो लिखा जाता है, आर्टिकल सोशल डिबेट के रूप में, वो देखने को मिल सकता है। इस स्पीच में आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एडुकेशन से रिलेटेड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, मतलब एक एग्जांपल दे दिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब देखिए सेक्शन जो सी है, ये हमें ग्रामर एंड यूज का सेक्शन रहता है। यह ग्रामर और यूज एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज सिंटेक्स ग्रामेटिकली टर्म, यानी आपको सेंटेंस की प्रॉपर स्ट्रक्चर पता रहनी चाहिए। इसको लेके यहाँ से सेक्शन सी से क्वेश्चन पूछेंगे विद एक्यूरेटली इन द कंस्टेंट प्रोवाइड। अब देखिए इसमें से क्या हो सकता है, आपको डिटरमाइनर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेंस से आएंगे, क्लॉजेस से आएंगे, मॉडल से आएंगे, वॉइस से आएंगे। देखिए एक सेक्शन है आपके, हर सेक्शन से चार चार क्वेश्चन यानी 5 हो गए, यानी 20 क्वेश्चन आपको ग्रामर से यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन सी में बेसिकली ग्रामर एंड यूजेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेक्शन डी सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेचर वाला सेक्शन, जिसको लेके काफ़ी लड़के परेशान थे कि सर सेक्शन डी में क्या पूछा जाएगा और लिटरेचर से रिलेटेड, तो यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी में हम अगर बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में पहला जो ऑप्शन हमारा रहेगा शेक्सपियर्स वर्क्स में आपको ड्रामा और इनकी पोएम, और ड्रामा में आपको इनकी ग्रेट ट्रेजेडी और कॉमेडी और रोमांस, ये पढ़ना पड़ेगा, ट्रेजेडी कॉमेडी और रोमांस। और लिटरेचर संबंधित कुछ वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ सर्च कर सकते हैं, और पोएम और इसके रिलेटेड नवोदय स्पेशली मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, आपको डालता रहूँगा। अब आगे देखते हैं, पहला शेक्सपियर हो गया, शेक्सपियर वर्क, और रोमांटिक पीरियड सीधे चलिए। रोमांटिक पीरियड में PV Shelley, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स एंड कॉलरिज। और रोमांटिक पीरियड में इसके अलावा भी जो राइटर हैं, जॉन कीट्स, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेली, ये तो रहेंगे, इनसे क्वेश्चन पुटअप भी करें। इसके अलावा भी कुछ रोमांटिक पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटरों को आपको देखना पड़ सकता है। अगर 19वीं और 20वीं सेंचुरी की बात करें, तो 19वीं सेंचुरी में अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के राइटर देखने को मिलेंगे, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहेंगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे रहेंगे, वाल्ट विटमेर रहेंगे, नेथॉली और हॉथोर्ने रहेंगे, इमली डिक्सन, जॉर्ज बर्नार्ड था और आर्थर मिलर, ये सब मुख्य राइटर हैं जो 19वीं सेंचुरी के राइटरों में और 20वीं सेंचुरी के राइटरों में पढ़ने रहेंगे। अब मॉडर्न इंडियन राइटिंग में अगर बात करें, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में, जिसमें आपको अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजीम इस्केल, KN दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, RK नारायण, मुल्कराज आनंद और खुशवंत सिंह, इतने राइटरों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन राइटर से रिलेटेड इतने राइटर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इंडियन राइटिंग और इंडियन लिटरेचर आपको काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी नवोदय में पूछे जाते हैं। अब मॉडर्न राइटिंग इंग्लिश फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर संबंधित अदर पार्ट ऑफ द राष्ट्र, जैसे कैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और साउथ एशिया के लिटरेचर को हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट राइटर होंगे कुछ माइनर, उन्हें हमें देख के जाना पड़ेगा। अगर आप लोग को इन सब लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन और साउथ अफ्रीका के माइनर राइटरों की पे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर कुछ मैटर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओवरऑल ये हमारा आज का सिलेबस रहा, इस सिलेबस पे जो हमें पढ़ना है इंग्लिश PGT के नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी आई उसके लिए, ये आप लोग इसे देख सकते हैं और इसे पूछ करके नोट भी कर सकते हैं। जिससे हमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम की ये जो आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, इसकी एग्ज़ाम जो है आपके सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। तो आप लोग अभी से इस चीज़ को लेके सीरियस हो जाइए और अभी से तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में फॉर्म
भरने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और जहाँ एक बार फॉर्म भरने से प्रक्रिया चालू हो गई, आप लोग के पास पढ़ने का समय बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वैसे भी कम समय बचा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है, मुश्किल से 60 दिनों का समय है, 60 दिन का टारगेट आप निर्धारित करिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर दीजिए। इस सिलेबस पर वीडियो रहा, और आपको अगर किसी इंटरेस्टिंग अगर इससे अलग हट के किसी और सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो लाऊंगा। और इंग्लिश लिटरेचर संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। और इसको ध्यान रखिए, आप लोग तैयारी करिए। ओके, वंस अगेन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।